हेलो एवरीवन, आने वाला है दिवाली का त्यौहार और मुझे पता है, हम सबको पता है, इस त्यौहार में हम सबकी लाइफ कितनी हो जाती है भागम भाग वाली। तो आपसे मैं कहूँगी कि सिर्फ आप 10 मिनट निकालें और सुपर टेस्टी डिलीशियस इस मिठाई को बनाकर तैयार करें, क्योंकि दिवाली का त्यौहार बिना मिठाई के रह जाता है बिल्कुल ही अधूरा। तो आप इस स्पेशल सी मिठाई को बनाएं, सिर्फ 10 मिनट निकालें और बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बनाकर जब तैयार कर लेंगे, यकीन करें, दिल को दिमाग को इतना मिलेगा सुकून और इतनी आएगी खुशी जब आप इस मिठाई को बनाएंगे और खाने वाले तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए लीजिए कोई भी पैन या कढ़ाई, पहले उसे बैठा दें गैस पे और अब आप ले लीजिए सूखा नारियल पाउडर 1 कप भर के मैंने लिया हुआ है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम भुनेंगे, सिर्फ 2 मिनट आपको लगेंगे। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट होगा। जो ही नारियल का कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, फटाफट आप इसे निकाल लें। नारियल को भूनते समय आपको ध्यान रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे आप रोस्ट करेंगे। नारियल को हमने निकाल लिया, अब उसी पैन में आप डालेंगे घी। मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी को डाल रही हूँ और 1 मग भर के है फुल क्रीम दूध। दूध मैंने गर्म की हुई थी, फ्रिज में रखा हुआ था, उसी दूध को मैं ले रही हूँ। अगर कच्चा दूध आप ले रहे हैं तो पहले आप उसे गर्म कर लें। और अब घी में, जब घी मेल्ट हो जाएगी, हमने दूध को डाला है और फ्लेम को आप कर दें मीडियम टू हाई। आप हाई भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखेंगे कि दूध आपका बॉयल होके बर्तन से बाहर ना आ जाए। अब जो ही हल्की सी ठंडी हो गई, इसे डालें एक सूखी जार में थोड़े से मखाने और ड्राई फ्रूट्स। मैं काजू डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ बादाम को डालें। काजू की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं या मखाने की। और हरी इलायची है 3-4, इनके छिलकों को हटाकर इसके दानों को हम डाल देंगे और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ दूध हमारा पक रहा है, इसे बीच बीच में मैं चलाती जा रही हूँ। जब तक मैंने सब ग्राइंड किया हुआ है चीज़ों को डाल के, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया हुआ था। और जो ही ये गाढ़ा हो गया, दूध में 1 उबाल आ गया, अब ले लेंगे हम मिल्क पाउडर। 1 कप लिया हुआ है मिल्क पाउडर, 1 कप था भर के नारियल का पाउडर और उतनी ही क्वांटिटी है मिल्क पाउडर की। इसे पहले हम हाफ डालेंगे, एक ही बार सारा मिल्क पाउडर हम नहीं डालेंगे गर्म दूध में। आप थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं आएंगी, बहुत ही अच्छे से जो है ये एक सार हो जाएगा। और अगर गुठलियाँ आ रही हैं, आप डाल रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जिस भी बर्तन से आप इसे चला रहे हैं, कोई स्पून ले लें या स्पैचुला ले लें और उससे आप इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं, दबाते जाएं, धीरे धीरे जितनी भी गुठलियाँ आई हैं वो सब एक साथ हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो टेंशन फ्री होकर आप इसे बनाएं। और नारियल की क्वांटिटी, मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप चाहें तो जितनी आपकी मर्जी हो कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसी बीच में 1/2 से 1 कप हम डालेंगे चीनी। आप जब इस मिठाई को पूरा प्रोसेस होते हुए देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसे टेंशन फ्री होके बना सकते हैं और बहुत ही निश्चिंतता के साथ बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है, ना कोई चाशनी का टेंशन है, ना ऐसा है कि ये सेट होगी या नहीं होगी। मिल्क पाउडर को आप डाल दें और जब मिल्क पाउडर को डालें, इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम को मीडियम रखें, या फ्लेम को आप कह सकते हैं कि आप अपने हैंड में रखें उसका कंट्रोल। फ्लेम को आप बहुत हाई कर देंगे तो इसके जलने का डर रहेगा जब हम मिल्क पाउडर को डालते हैं। तो फ्लेम को आप मीडियम रखें, फ्लेम को अपने कंट्रोल में रखें कि आपका सब कुछ ये जले ना और आप इसे लगातार जलाते ना रहें। और बीच में मैंने डाल दिया है अपने पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को, जो नारियल हमने लिया हुआ था। आप अगर चाहें तो जो गोला आता है उसके भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिक्सी करके और फिर उसे हल्का सा भून के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से चलाएंगे और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, इसे आप चलाते जाएं, कढ़ाई में ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और बिल्कुल हो जाएगी ड्राई। ऐसा आपको दिख रहा है, जब मैं इसे हाथों से गोला बना रही हूँ, ये बन जा रही है, यानी हमारा ये सेट हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। मिठाई सेट होने के लिए हो जाएगी तैयार, जम जाएगी।
अब एक किसी भी टिन में एक बटर पेपर लगा दिया, उसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग ज़रूर कर दे घी से, इसे अच्छे से फैला दे। चौकोर बर्तन में रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे पीसेस निकलते हैं। गोलाई में हम रखते हैं, गोलाई वाले बर्तन में तो उसमें किनारे जो हैं वो थोड़े से बर्बाद चले जाते हैं। इसके ऊपर मैंने टूटी फ्रूटी को डाल दिया हुआ है, इसे हल्का सा हम प्रेस कर देंगे जिससे ये अंदर जाके अच्छे से सेट हो जाए। और बादाम थे, कच्चे बादाम, उसे मैंने थोड़ा ग्रेट करके डाल दिया। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक टुकड़ों में करके डालें या फिर ना भी डालें, पसंद करते हैं तो डालें, अदरवाइज छोड़ दें। और अब इसे आप 2 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ दें, 2 से 2.5 घंटे के लिए। इतनी देर में हमारी मिठाई अच्छे से जम जाएगी, सेट हो जाएगी। फिर किसी भी शार्प चाकू से इसे आप मन चाहे आकार दें और आपकी ये सुपर टेस्टी डिलीशियस मिठाई बनके हो जाएगी तैयार। अगर आपको इसकी बर्फ़ी नहीं बनानी तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू बनाएं या फिर बर्फ़ी बनाएं, बनाएं ज़रूर और बना कर देखें सिर्फ 10 मिनट में। त्यौहार ना भी हो, अचानक कुछ मीठा खाने का मन हो, कोई मेहमान आए या किसी स्पेशल दिन पे बनाना हो, ये स्पेशल सी मिठाई ज़रूर बनाएं। फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।